मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट रहा और बहुत चैलेंजिंग भी था. मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली मूवी के दौरान एंड आई ग्रू इन एवरी स्टेप लाइक एज एन एक्टर और एज ए क्रिएटिव पर्सन. सो ओवरऑल मेरे जितने भी अलग ग्रुप हैं एज अ राइटर डायरेक्टर पर इन द एंड मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ एंड इट वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड मूवी वॉज ए क्रिएशन. पिक्चर की रिलीज़ अभी इसी फ्राइडे को है. आज मतलब तक कल से द मूवीज़ देयर ऑन थिएटर्स एंड मुझे यकीन है कि आप लोगों का पिक्चर बहुत पसंद आएगी. इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मतलब दूल्हा जो होता है हमेशा घोड़े पर सवार होता जाता है लेकिन यहाँ पर दुल्हन हमें घोड़े पर दिखाई दे, तो आप बताइए कि क्या महसूस करते हैं? ये जो पिक्चर है ये बहुत ही एक अलग पिक्चर है, उसका बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट है. इसमें एक पिक्चर के अंदर एक नहीं बल्कि तीन अलग एंडिंग्स हैं. सो या मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुल्हन घोड़े पर सवार क्यों जा रही है. उसके पापा प्रेम चोपड़ा ने पापा ने क्या किया है, शादी के दिन उसका दूल्हा बदल दिया है. सो बेसिकली वो अपने दूल्हे को बचाने के लिए दुल्हन घोड़े में भाग रही है. तो वो पूरा एक फनी कॉमेडी सीन है और बहुत एक इंटेंस डिफरेंट मूवी है बेसिकली. एंड मेरे को बहुत इस बात की खुशी है कि इस मूवी को कंपेयर किया जा रहा है जैसे तू मेरी सुलू से, जो अगेन एक फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ फिल्म है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस मूवी इज कैचिंग अप विद पीपल और लोगों को बहुत 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 पसंद आ रही है. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. एंड एज एन एक्टर मैंने बहुत सारे एड्स करे थे, टीवी एड्स, कमर्शियल्स, एज अ फिल्म, बट एज अ डायरेक्टर दिस वॉज माई फर्स्ट फिल्म और मुझे बहुत ही अच्छा उनका सहयोग मिला एंड दे हैव ऑल्सो लव द फिल्म. थैंक्स अ लॉट फॉर योर विशेज. आई मीन बेसिकली शादी अभी बाकी तो कल हो जाएगा, आप देखेंगे जो भी होगा इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, आई मीन राइट नाउ. एंड इट्स अ वंडरफुल जर्नी बेसिकली. हम लोग फ्रेंड्स हैं बहुत टाइम से, एक दूसरे को जानते हैं, बट इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट जर्नी. जब हम लोग साथ में काम करते हैं वी गेट टू नो ईच अदर, आई मीन अ डिफरेंट एस्पेक्ट. शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ डायरेक्टर, शी इज़ अ प्रोड्यूसर, आई एम वन ऑफ द एक्टर एंड शी गाइडेड मी अ लॉट एंड इट्स लाइक फन वर्किंग विद फ्रेंड्स एंड विद सम सीनियर एक्टर्स. बहुत एंजॉय किया हमने, आई मीन थोड़ा बहुत हमने बहुत स्ट्रगल भी किया. इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी ऑल्सो बट इट्स फन बेसिकली. वही तो डिफरेंट है इसके अंदर, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. इसमें बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं. इस घोड़े के अलावा भी यू विल सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट यू हैवंट सीन बिफोर. सो यही एक USP है इस मूवी का, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. आई मीन देयर आर थ्री डिफरेंट एंडिंग ऑफ दिस मूवी एंड दैट हैज बीन शोन, दैट हैजंट बीन शोन बिफोर. सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट वी हैव. सो इट्स अ वंडरफुल मूवी एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल लव इट. ऐसी फिल्में मुकम्मल होने में बहुत देर लगती है लेकिन ये इसकी हिम्मत है कि इसने ये पिक्चर तकलीफ़ों को सहते हुए ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्व एंड शी इज़ बीन एबल टू रिलीज दिस पिक्चर. माई हैट्स ऑफ टू हर बिकॉज शी इज सिंगल हैंडेडली डन एवरीथिंग. शी इज़ एक डायरेक्टेड, एक्टेड एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द फिल्म and raise the finance herself. This is quite an achievement. It's very difficult nowadays. So let us hope that you people give full support to her and aur iski zara picture ko badhaiyega. Picture zara above average bhi jaye to hame badi khushi hogi aur achhi picture hai. Alag kism ka concept hai iska, hatke hai zara ye picture. अब कैसे एक्सेप्ट होती है वो तो कल पता लग जाएगा. हमारी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं और आप लोगों की मेहरबानी चाहिए क्योंकि ये पिक्चर की ज़रूरत है, इस पिक्चर को आप लोगों की ज़रूरत है.
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।